दालचीनी एक ऐसा मसाला है जिसकी ना सिर्फ खुशबू बल्कि इसका स्वाद भी बड़ा ही अच्छा होता है। दालचीनी का रंग बड़ा ही सुंदर होता है और इन सभी बातों में इसकी सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि दालचीनी आपको शरीर में होने वाली कई सारी समस्याओं से दूर रखती है। दालचीनी एक ऐसा मसाला है जिसकी ना सिर्फ खुशबू बल्कि इसका स्वाद भी बड़ा ही अच्छा होता है। दालचीनी का रंग बड़ा ही सुंदर होता है और इन सभी बातों में इसकी सबसे खास और महत्वपूर्ण बात यह है कि दालचीनी आपको शरीर में होने वाली कई सारी बीमारियों से दूर रखती है। इस बात का पता शायद ही किसी को हो कि दालचीनी का सेवन आपको शरीर में होने वाली उन सभी परेशानियों से बचाता है जो आपकी किडनी के लिए हानिकारक हो सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी और किडनी में आने वाली समस्याओं के बारे में सभी जानकारी देते हैं। आज हम आपको इस बारे में जानकारी देंगे कि किडनी के लिए दालचीनी का सेवन कैसा है। दालचीनी का सेवन आपको शरीर में होने वाली कई परेशानियों से दूर रखता है और यह आपकी किडनी को भी ठीक रखने में मदद करता है। लेकिन बात किडनी के मरीजों की हो तो किडनी के मरीज इसका सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि दालचीनी में कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है जो डैमेज किडनी के काम को बढ़ा सकती है। इसलिए किडनी के मरीजों को इसके सेवन से परहेज होता है। किडनी के लिए यह कैसे नुकसानदायक है हम इस बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इसके कुछ फायदे जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दालचीनी के पानी की। अगर आप दालचीनी का पानी पीते हैं तो इससे आप यूरिन संक्रमण के खतरे से दूर रहते हैं। दालचीनी का पानी आपकी किडनी को अंदर से साफ रखने में मदद करता है, साथ ही यह आपके यूरिन की मात्रा को भी बढ़ाता है जिससे आपके शरीर में जमा गंदगी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। दालचीनी का सेवन डायबिटीज़ के खतरे से दूर रखता है। डायबिटीज़ के मरीज अगर दालचीनी को अपने आहार में शामिल करें तो इससे उनके ब्लड में शुगर का स्तर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। दालचीनी में एंटी डायबिटिक गुण मौजूद होते हैं जो आपके ब्लड में शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही इसमें पॉलीफिनॉल सीरम मौजूद होता है जो आपके ब्लड में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों के स्तर को सामान्य रखता है, जो आपको डायबिटीज़ की समस्या से बचाता है। और जब आपके ब्लड में शुगर का स्तर सामान्य रहता है तो इससे आपकी किडनी भी अपना काम सही तरह से कर पाती है। दालचीनी का सेवन आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता, जिससे आपका ब्लड साफ रहता है, जिससे आपका हार्ट ब्लड को ठीक तरह से पंप कर पाता है और आप हार्ट अटैक की समस्या से दूर रहते हैं। इसके साथ ही दालचीनी का सेवन आपको बढ़ते ब्लड प्रेशर से दूर रखता है। अगर आप दालचीनी को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो यह आपके शरीर में खराब सेल्स को बढ़ने नहीं देता, जिससे आप कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के शिकार नहीं होते। दालचीनी में एंटी कैंसर के गुण मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में कैंसर की कोशिकाओं के विकास को कम करके उसको शरीर में फैलने से रोकते हैं, जिससे आप कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के शिकार नहीं होते। अक्सर जिनका पाचन तंत्र खराब होता है उन्हें शरीर में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में दालचीनी को शामिल करें। दालचीनी का सेवन आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर रखता है, साथ ही यह आपको पेट से जुड़ी समस्याओं से भी दूर रखता है। दालचीनी में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स आपके दिमाग के विकास में सहायक होते हैं। यह आपके दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही दालचीनी का सेवन आपको ब्रोंकाइटिस रोग से बचाता है। ब्रोंकाइटिस रोग सांस की तकलीफ से जुड़ा एक रोग होता है। इस बीमारी में सांस लेने में तकलीफ और सीने में जलन होने की संभावना अधिक बनी रहती है, जिसको दूर करने के लिए दालचीनी काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। जो लोग अपना वजन कम करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए दालचीनी से बेहतर उपाय और कोई नहीं है, क्योंकि दालचीनी में मौजूद पॉलीफिनॉल्स आपके शरीर में जमा फैट को कम करने में मदद करता है, जिससे आप मोटापे के शिकार नहीं होते। दालचीनी में एंटीफंगल गुण मौजूद होते हैं जो आपको फंगल संक्रमण से बचाते हैं। इसके लिए आप दालचीनी का तेल प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये हैं दालचीनी के कुछ फ़ायदे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसके सिर्फ फ़ायदे ही हों। दालचीनी के कुछ नुकसान भी हैं जो आपके किडनी के काम में रुकावट डाल सकते हैं। दालचीनी एसिडिक नेचर की होती है, जिसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन आपके शरीर में यूरिक एसिड का निर्माण कर सकता है। इसके साथ ही इसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम अधिक मात्रा में होता है, जो आपके शरीर में क्रिएटिनिन के स्तर को बढ़ा सकता है, जो कि किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है।
दालचीनी में कैल्शियम भी अधिक होता है जो किडनी स्टोन की समस्या बना सकता है। इसके अलावा दालचीनी का अधिक मात्रा में सेवन आपको पेट से जुड़ी परेशानी दे सकता है, क्योंकि कई लोग जो वजन कम करना चाहते हैं वो इसका सेवन बहुत अधिक मात्रा में कर लेते हैं। ऐसा करना उनके लिए हानिकारक हो सकता है। दालचीनी का सेवन करने से आपको त्वचा से जुड़ी एलर्जी हो सकती है और आपको लीवर से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह उनके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए दालचीनी का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मायुर्वेदा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्वेदा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। जी, क्या नाम है आपका? जीवन तिवारी। कहाँ से आते हो? मैं सर एमपी से, दमोह डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो दमोह में कहाँ से आते हो? दमोह में प्लेस का नाम जवेरा है सर। जवेरा में कहाँ से? जवेरा तहसील, प्रॉपर जवेरा से। प्रॉपर जवेरा, ठीक है। जब आए थे क्या क्या दिक्कत हो रही थी? जब मैं आया था सर, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा था, 8 के ऊपर था। अभी क्रिएटिनिन मेरा 6 आ गया है। अच्छा, तो डायलिसिस बोल दिया था डॉक्टर ने आपको? हाँ, उस टाइम बोला था डायलिसिस होगा, 6-8 हो गया था क्रिएटिनिन। तो टेस्ट कहाँ से कराए थे आपने? टेस्ट मैंने यहीं से कराया था। ठीक है, जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था तो इनका क्रिएटिनिन जो था वो 9.8 के अप्रॉक्सीमेट था। टेस्ट इन्होंने जबलपुर से कराए हैं और फिर इनका क्रिएटिनिन जो है, अब लेटेस्ट रिपोर्ट जो है वो उसमें घट के आ गया है। 10 दिसंबर 2017 की रिपोर्ट में क्रिएटिनिन जो है वो 6 के अप्रॉक्सीमेट आ गया है, 6 के आसपास आ गया है अब इनका क्रिएटिनिन। पहले बीपी बहुत ज़्यादा रहता था सर, अब बीपी भी नॉर्मल रहता है। बीपी नॉर्मल है अब? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।